Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. I hope that you all are fine. Today in this video we will do grammar exercises of unit number 4. So take out your books and open page number 19. Exercise number A is write each sentence correctly. Now in this exercise we have to capitalize and punctuate the sentence. Remember that when a sentence starts, so the first letter of the sentence should be capital. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, बड़ा लिखते हैं हम उसको. और जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं. सी हेयर दे हैव रिटन Start a sentence with a capital letter. The boy went to the shop. So here they have given you example. देखें ये sentence है तो इन्होंने जब sentence start किया है तो इसके start का alphabet capital है, बड़ा है. Can you see? This is T and T is capital. और sentence के आखिर में इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है. फुल स्टॉप लगाने का मतलब ये होता है कि ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है, अब इसके आगे नया सेंटेंस स्टार्ट होगा. स्टॉप अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप. द टीचर इज़ एंग्री. द डॉग इज़ फनी. नाउ सी हेयर आर टू सेंटेंसेस. सो दिस इज़ नंबर वन सेंटेंस. ये इन्होंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और एंड फुल स्टॉप पे दिया है. सो दैट मीन्स दिस इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस एंड दिस इज़ वन सेंटेंस एंड दिस इज़ सेकेंड सेंटेंस. द टीचर इज़ एंग्री. टीचर गुस्से में है, ये एक सेंटेंस है. द डॉग इज़ फनी. डॉग मज़ाहिया है, ये दूसरा सेंटेंस है. एंड सी एवरी सेंटेंस हैज़ अ फुल स्टॉप एंड इन द स्टार्ट दे हैव कैपिटल लेटर. नाउ वी विल डू Exercise number A. Write each sentence correctly. The dog is lazy. Now you have to capitalize the first letter of the sentence. ये जो capital, ये जो start का T है, इसको हमने बड़ा करके लिखना है, capital लिखना है. और lazy के आगे full stop लगाना है, क्योंकि ये sentence यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. The see here they have given you example. The dog is lazy. यहाँ पर इन्होंने T को capital किया है और आखिर में full stop लगाया है. बिल्कुल इसी तरह से आपने ये सारे sentences करने हैं. Mary has a kitten. Now Mary is a name. So Mary का M capital होगा और kitten के आखिर में full stop लगेगा. See like this. Mary का M capital और N में full stop. Number 3, I have no lunch. So I is capital and after lunch I have put full stop. Give me the book. So give का G capital और book के आखिर में full stop. Please do not tell. सो प्लीज़ का पी कैपिटल और टेल के एंड में फुल स्टॉप. इट इज़ टाइम टू प्ले. सो इट का आई कैपिटल और प्ले के आखिर में फुल स्टॉप. सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज लाइक दिस. स्टार्ट के सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लिखने हैं और एंड में फुल स्टॉप लगाना है. नाउ एक्सरसाइज बी इज़ सॉफ्ट और हार्ड. Soft means नर्म, मुलायम. Hard means सख्त. Now here we have some words. You have to write soft or hard for each word. आपने हर एक word का बताना है कि ये चीज़ soft है या hard है. First one is done for you. Lunch box. तो lunch box hard होता है, जिसमें हम lunch pack करते हैं, तो that is hard. Blanket. कंबल. सो ब्लैंकेट इज़ सॉफ्ट, नरम होता है ना ब्लैंकेट. सो वी हैव टू राइट सॉफ्ट हेयर. टैडी.
टेडी भी सॉफ्ट होता है। हमारे पास जो स्टफ टॉयज होते हैं जैसे टेडी बेयर हो गया, तो टेडी बेयर तो सॉफ्ट होता है, सो दिस इज़ सॉफ्ट। टॉफ़ी, टॉफ़ी हार्ड होती है, ठीक है, सो वी हैव टू राइट हार्ड। जेली, जेली इज़ सॉफ्ट। रूलर, रूलर इज़ हार्ड। एप्पल, एप्पल इज़ हार्ड। पिलो, तकिया, पिलो इज़ सॉफ्ट। पेंसिल, पेंसिल इज़ हार्ड। सी दिस इज़ अ पेंसिल एंड दिस इज़ हार्ड। लास्ट वन इज़ कुशन। कुशन इज़ जस्ट लाइक अ पिलो, ठीक है, जैसे पिलो सॉफ्ट होते हैं तो कुशन्स भी वैसे ही सॉफ्ट होते हैं। सो वी विल राइट सॉफ्ट हेयर। So you have to do exercise number A and exercise number B. Make sure that your work should be neat and your formation should be correct.